दोस्तों 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का आज मुंबई के क्रिटिक एयर अस्पताल में निधन हो गया है। जी हां, 69 वर्ष की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है और ये एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि इन्हें कोविड-19 हो गया था और इनकी तबीयत में सुधार भी था और उन्हें सोमवार को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी, पर मंगलवार को अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई और अभी हाल ही में खबरें आई हैं कि सिंगर बप्पी लहरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और इनकी निधन की खबर को सुनकर जहां इनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हैं, तो वहीं मशहूर सिंगर नेहा कक्कर को जब पता चला कि मशहूर सिंगर बप्पी लहरी इस दुनिया में नहीं रहे तो इनकी पैरों तले जमीन खिसक गई और इनके निधन की खबर को सुनकर ये रोए ही जा रही है, खुद को संभाल नहीं पा रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा, पहले ही हमारे स्वर की कोकिला लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, तो वहीं अब हमारे एक और महान सिंगर बप्पी लहरी भी कोरोना की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसकी वजह से नेहा कक्कर का रो रो कर बुरा हाल है। इन्हें खुद का सुदबुद्धि नहीं है और इस तरह से अभिनेत्री नेहा कक्कर रोए जा रही है और कह रही है कि पहले तो लता दीदी ने हमें अकेला छोड़ दिया और अब आपने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो दोस्तों, आप सिंगर बप्पी लहरी के निधन की खबर को सुनकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।